वन वेलकम बैक नमस्कार सस्काल कैसे हैं आप सारे लोग आश्री से बहुत अच्छे होंगे आप लोग आप लो आप लो आपकी वीडियो ऑडियो दोनों का दोनों प्रॉपर तरीके से क्लियर है आप टाइम से पहले आ गए क्या वापस से है तो कोई बात नहीं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे साथ जुड़ पाए ओके okay गाइस ध्यान रखिएगा डेली के डेली आप लोग की मास्टर क्लासेस होती है और ये क्लास जो पर्टिकुलरली आपकी यूट्यूब इस वक्त पे चलती है वो आपकी कंप्लीटली डेडिकेटेड होती है किस चीज़ के लिए एम के एग्जामिनेशन के लिए तो अभी तक जिन जिन लोगों ने अपने आप को इस क्लास में भी इनरोल नहीं किया है कि क्लास को हम शेयर कर दें बाकी लोगों के साथ वो कर लेंगे और रोज़ साढ़े बजे हमारे साथ जुड़ना भूलेंगे नहीं ओके okay, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है दिव्य त्रिपाठी मैम क्योंकि मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और मैं हूँ आपके सामने इसलिए आप टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से होगा तो सारे लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस की डिटेल्स जो हैं वो आपको टाइमली यहीं पे मिलती हुई जाएंगी डन ओके मैम चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप यहाँ से क्यू कोड स्कैन करके भी जा सकते हैं देखो यहाँ पे आने के फायदे बहुत हो जाते हैं कि अगर आपको कोई कोई डाउट डाउट है है क्लियर करना तो वो सब यहाँ पे मिल जाना होता है एक सेकेंड दे दो भैया ओके okay. हमारे ग्रुप में मैसेज करना पड़ता है वरना हमारे बच्चे ना वो राजसी बच्चे वाले बच्चे हैं जब तक इनको मैसेज करके ना बोलो कि बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है है ना क्लास में आ जाइए तब तक ये लोग मस्त मगन अपनी जिंदगी में रहते हैं चलिए अच्छा आप ही ये देवद पार्टी हाँ हा, हम ही ये देवद पार्टी पता तो चल गया आपको बढ़ते अपने आज के पहले सवाल की तरफ पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है ये क्या कह रहा है कि 1856 से अगर मैं पहले की बात करती हूँ सॉरी 1956 से पहले की अगर बात करती हूँ तो आपका केरला के स्टेट जो है इसे आप किस नाम से और जानते थे ये वो जगह है साउंड प्रॉब्लम ये एक्चुअली गिर गया था बात करते करते अच्छा अभी आवाज आ रही है ये नीचे गिर गया था ये लगा रह गया और ये माइक जो है ये नीचे फसल के गिर गया ओके okay, चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैम ये वो जगह है कि जब प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सारे अलग अलग हो रहे थे सबको अलग अलग जाना था तो ये एक लौता ऐसा स्टेट था जो कि ब्रिटिश छोड़ने को रेडी नहीं हो रहे थे यूरेनियम पता है यूरेनियम क्या होता है बड़ी अच्छी क्वांटिटी उनको लग रहा था कि यहाँ पे संभावनाएं जो है वो बहुत मिलने वाली ही है एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट त्रवण कोचीन कहाँ पे त्रवण कोचीन जिसको प्रेजेंट डे में आज आप किस नाम से बुलाते हैं आप केरला के नाम से आप बुलाते हैं चलिए एक जरा सा आपको हम पुराने जमाने में लेके जाए और पुराने जमाने में ले जाके थोड़ा उस चीजों से अवगत करवाएं डन गुड नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है जिसे आप जानते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से सबसे पहले दो तीन बातें जो है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी दो तीन बातें मैम क्या जब मैं पार्लियामेंट के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो बातें आती हैं वो क्या आती हैं कि मैम संसद के दो भाग हैं एक मैम राज्यसभा है दूसरी मैम लोकसभा है तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं भाई जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं जहाँ राज्यों के हिसाब से लोग आते हैं राज्यों के हिसाब से आके लोग बैठते हैं उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स जैसे कि इंग्लैंड में क्या चलता है इंग्लैंड में जो चलता है जहाँ से हमने संसदीय प्रणाली ली है वहां पे भी तो यही चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर कोर्ट होती है सॉरी जो, जो लोअर पार्लियामेंट होती है उनको उसको क्या बुलाते हैं हाउस ऑफ कॉमन जैसे लोकसभा है हमारे यहाँ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है जो कि आपकी क्या है अपर हाउस है गुड तो अपन क्या कह रहे हैं मैम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं अब दूसरी मेरी बातें समझो चीजों को राज्यसभा जो है ये क्या है बेटा ये है आपकी परमानेंट हाउस राज्यसभा क्या है ये है आपकी परमानेंट हाउस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसके जो मेंबर रिटायर होते हैं क्या बोला मैंने इसके जो मेंबर रिटायर होते हैं ये कितने मेंबर रिटायर होते हैं कितने साल पर और कितने मेंबर जो है ये रिटायर होते हैं गुड ग्रेट नेक्स्ट वन इन व्हिच ईयर सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास किया गया था इवन जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था तो 40 एम भी थे जिन्होंने इसको बैकअप किया था बट अनफॉर्चुनेटली ये सफल नहीं हो पाया फेल हो गया था छ साल वन बाई थर्ड पाँच साल परमायां क्या बात है बेटा पहली बार पता चला मैं कि 5 साल पे किया जाता है 1960, 1962, 1960 जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी इससे हिंट भी देना पड़ेगा क्या आप लोग को अरे कहां है भाई आज सारे लोग क्लास से 962, के बीच में आप लोग फंस रहे हो ध्यान दीजिएगा सबसे फेमस है सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था इसलिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है 1963 में उसको पास किया गया था जैसा मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान दीजिएगा है ना चालीस एम ने इसको कंप्लीट तरीके से उस वक्त बैकअप किया था बट अनफॉर्चुनेटली इट गॉट डिफीटेड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो होता है इस काउंसिल को चेयर कौन करता है सबसे पहली बार अगर बात करूं तो आ, इसकी स्थापना हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो जून 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और हमेशा से हमारे यहां जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होता है वहाँ पर अपन चेयरमैन किसको बनाते हैं चेयरमैन बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को राइट right? बस ये आसान है मैम कौन बोले थे मैम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट वन किस साल में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी अब इसके साथ दो तीन बातें जो है आपको पता होनी चाहिए उन्नीस में हमारा संविधान बना तो अगर संविधान बन जाएगा और जुडिशरी नहीं होगी तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा संविधान जिस दिन पर बनेगा और उस अगर हमारे पास जुडिशरी नहीं होगी तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा सबसे प्रोमिनेंट चीज तो ये हो जाती है दूसरी चीज क्या है कि इसने सक्सीड किया था किसको सक्सीड किया था मैम फेडरल कोर्ट को किसको सक्सीड किया था डू रिमेंबर मैम इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट को अब ये जो फेडरल कोर्ट था ये कब स्टैब्लिश हुआ था 1935 वाला फेडरल कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था मैम 1935 वाले फेडरल कोर्ट को डन गुड 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 साढ़े तीन बजे क्लास नहीं चल रहा है चल तो रहा है बेटा हुई साढ़े तीन बजे वाली क्लास क्या बात कर रहे हो ओके चलिए बढ़ते आगे की तरफ आप लोग को पता है आम लोग भी घूमने जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विजिटर्स डे भी होता है <coughs> विजिटर्स डे भी होता है नोटिफिकेशन नहीं आया अरे कितनी बार कहे हैं मेरे साथ मेरी क्लास की बदल ही जाने की नोटिफिकेशन नहीं जाती भगवान मालिक है राजनीति है ना यूट्यूब कर रहा है मर्डर करके मर्डर करके सुप्रीम कोर्ट थोड़ी पहुंचोगे मर्डर करके अपने स्टेट के कोर्ट में पहुंचोगे वहां मामला खारिज होगा दो तीन कोर्ट जाओगे पहले वहाँ मामला खारिज होगा फिर दूसरे कोर्ट में अप्लाई करोगे फिर दूसरे कोर्ट में अप्लाई करोगे ट्रायल कोर्ट में जाओगे है ना मामला फिर पेंडिंग पड़ेगा दस बारह साल वहाँ निकल जाएंगे <coughs> मामला जब जिस दिन खारिज होगा एक्सक्यूज मी गाइस उस दिन पे फिर हाई कोर्ट अपील करोगे फिर हाई कोर्ट में मामला बहुत दिन तक पेंडिंग रहेगा वहाँ पे छः सात साल आठ साल रहेगा थोड़े पैसे वैसे खर्च कर दोगे तो मामला क्या होगा खारिज करवा दिया जाएगा कि चलो ठीक है तुम में से हो गया फिर तुम अपील करना वापस से सुप्रीम कोर्ट जाना अपील करने फिर दौड़ना पीछे पीछे भागना क्योंकि नॉमिनल फीस जो होती है वहाँ पे तीन चार लाख से शुरू ही होती है है ना हर एक मतलब जो कुछ नहीं जिसको आ रहा है नहीं हो रहा है नॉर्मल नॉर्मल टाइप जिन लॉयर की फीसेस है वो भी तीन चार लाख से शुरू ही हो रही है फिर वहाँ पे जाना फिर वो भगाएंगे फिर कुछ डेट्स देंगे है ना ऐसे ही चलता है चलिए आगे देखते हैं एडवोकेट जनरल जो हैं किसी भी स्टेट के ही कि अपेयर हो सकते हैं कहां पे इन फ्रंट ऑफ होम अब ध्यान दो यहां पे अब मैंने क्या यहां पे जिक्र किया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जिक्र किया है किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं बट विद इन किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं बट विद इन स्टेट अपनी ही राज्य में जितने भी कोर्ट हैं उनके राज्य में उन सारी जगहों में उनको अपीयर होने के चांसेस जो है मौजूद होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस एग्जीक्यूट कब किया गया था इनको अमंग्स द फ्रीडम फाइटर जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें सबसे कम उम्र के थे ये हाँ सृष्टि धर्म है तो हाँ पहली बार लगता है ये प्रोजेक्टर जो है ना ये मैंने स्पेशली अपने लिए इवेंट करवाया है कि इसमें अलग से एक फिल्टर जोन लगना चाहिए हाँ ये आ, मेरे लिए अलग से बनवाया गया है इकलौता है किसी के पास ऐसा प्रोजेक्टर नहीं है गरीबी कार्तिकेश्वर उन्नीस सौ आठ उन्नीस उन्नीस सौ आठ सबसे कम उम्र के मतलब ब्रिटिशर्स को कैसा लगता था फांसी दे कैसे देते थे ये लोग ध्यान दीजिएगा नॉट उन्नीस सौ ग्यारह इट वॉज ऑन एलेवेन ऑगस्ट उन्नीस सौ आठ यंगेस्टी फ्रीडम फाइटर जो है <laughs> क्या हो गया यार अभी तक तो ठीक थी मैं क्लास से पहले <coughs> 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 अभी तक तो ठीक थी क्लास में आई थी <laughs> Next one. Okay, guys, pay attention. Next one. जब नेक्स्ट वन ओके गाइज पे अटेंशन नेक्स्ट वन भैया जब रॉकेट तो कौन से फ्यूल का यूज किया जाता है रॉकेट में बता सकते हैं कोई मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मैंने कहा एक्सट्रीमली द पावरफुल वन क्या बोला मैंने एक्सट्रीमली पावरफुल रॉकेट प्रोपेलेंट के पास लोएस्ट मॉलिक्यूल होते हैं बात समझ में आई गुड देखिएगा अच्छा ये एक थ्योरी है जिस थ्योरी में कहा जाता है कि अगर साइक्लोन आता है या अगर कोई तूफान आता है स्ट्रोम आता है तो सिर्फ छत की रूफ जो है मतलब जो छत है जो रूफ है वो हट जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी वो निपट जाएगी और बाकी पूरा घर जो है वो सेफ रह जाएगा बताना भैया किस थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा गया है बेटा पहले तुम हैरी पॉटर की स्पेलिंग सही लिखो फिर तुम दिव्या जी पर लाइन मारना पहले तुम हैरी पॉटर की स्पेलिंग सही लिखो बेनविल शाबाश आइडियन था तुम लोगों को जवाब पता होगा इसका क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम ये लो प्रेशर क्रिएट कर देगा बात समझ में आ रही है आगे बढ़िएगा ध्यान दीजिएगा इनमें से किस नेशनल लीडर को हम जानते हैं पॉपरली वी लोन नोन एज अ लोकमान बाल गंगाधर तिलक साहब नहीं पवन बेसिक हम लोग के लिए बेसिक है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये बेसिक एकदम नहीं होता है जी तलक साहब प्रोमिनेंट लीडर प्रोमिनेंट 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 लीडर आप चाहे जो स्नेम नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर लीजिए चाहे आप लोगों को जगाने की तरफ बात कीजिए लोगों को मोटिवेट करने की तरफ बात कर लीजिए आजादी के लिए है ना तब अभी अभिमन्यु अभी करंट न्यूज अपनी माँ को जाइए माँ को बोलिए लेकिन मम्मी थोड़ा सा पीछे जाओ ना नीचे देखना है मम्मी को जाके बोलिए एक बार घर में जरा भी आके जाइए नेक्स्ट वन व्हिच इज द व्हिच इज द बिगेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया अगर मैं बात कर रही हूं पावर प्लांट के बारे में तो इनमें से सबसे बड़ा पावर प्लांट अभी तक भारत में कौन सा मौजूद है फटाफट से विंध्याचल 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 कहाँ पे है मध्य प्रदेश की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऐसे याद रखिएगा विंध्याचल कहाँ पे है मध्य प्रदेश की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है क्लियर डन मैं दो बातें बता रही हूँ ना मेरे अंदर ना टॉलरेंस पावर बहुत कम है एक्सट्रीमली कम है थैंक्स टू दिस ऑनलाइन क्लास कि जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है तो जितना तुम अभी मुझे टॉलरेंस पावर देख रहे हो ना ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ ये ऑनलाइन क्लास की वजह से आया है वन मेरे अंदर जीरो टॉलरेंस पावर है मतलब मैं इतनी जल्दी भड़क जाती हूँ ना इतनी जल्दी भड़क जाती हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा लोएस्ट पॉइंट रहा है मेरे लिए क्योंकि बहुत आसान हो जाता है मुझे गुस्सा दिलाना मैं ज़रा से भी अगर कोई भी अगर फालतू बातें करता है ना मैं सच बताऊँ मेरा खून खोल जाता है सेम टाइम पीरियड पर लेकिन होता क्या है कि ये ऑनलाइन क्लास के चक्कर में क्योंकि क्या ही बोले आदमी क्या ही करे किधर सर फोड़े तो मेरा वो हो गया कि नहीं चलो ठीक है मैं थोड़ा पेशेंस रख लेती हूँ फिर भी कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है ये सारा मेरे को जो पेशेंस आया ऑनलाइन क्लास ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन क्लास कि भैया मेरे को आ गया है वरना कसम से खा के बता रहे हैं अगर यही कोई और होता ना तो भगवान भरोसे तुम ना दस दिन बिस्तर से ना उठ पाते है ना बाथरूम में ना बैठ पाते इतनी लाते पड़ती ना तुम्हारे कि एक बार में ख्याल आ जाता ध्यान दो शेप ऑफ द अर्थ कैसा है अरे मैम ये तो हम लोग कब से पढ़े जा रहे हैं सारे लोगों की ना अलग अलग थ्योरीज होती हैं क्या होती हैं अलग अलग थ्योरीज होती है कि अर्थ जो है फ्लैट है अर्थ जो है राउंड है असल शेप बताओ ना मेरे को कि असल आस ये शेप जो है इसका है क्या पवन गुड ओबलिट स्टेफर हिंदी में बोले तो चपटा अंधकार आकृति माफिक वैसा ही है ना एग्जैक्ट राउंड आप भी नहीं कह सकते इसे बार 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 एक ही सवाल क्या लगता है कि मैम कैसा होगा ये Okay. गाइस नेक्स्ट वन बिगेस्ट हॉट डेजर्ट वर्ल्ड में बताइए कौन सा है जो भी गोभी बोला ना तुम्हारे कान के नीचे मारेंगे थप्पड़ खींच के गोभी सब कोल्डेस्ट डेजर्ट है गोभी प पढ़ाई थी जब स्टैटिक जीके का टॉप टेन तो कहाँ थे सहारा अरे मेरी बिटिया रानी थार इंडिया का है थार इंडिया का है सहारा वर्ल्ड पूछे हैं कोई बात नहीं होता है कभी-कभी नो इश्यूज क्या बेटा सहारा ओके नेक्स्ट मैम गुस्सा मत किए अरे नहीं मैं भी गुस्सा नहीं करती हूँ वरना मुझे पहले ज़्यादा गुस्सा आता था मैं कहते तो रही मैंने बचपन से कभी नहीं बर्दाश्त किया है इवन बचपन में जो ईव टीजिंग भी जो होती थी ना कि आप क्रॉस कर रहे हो पीछे से दो चार लड़कों का ग्रुप आ रहा है टीज करते हुए जा रहे हैं पीछे से टच करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने कई बार ऐसा है मैंने कॉलर पकड़ के मैं मारते मारते खींचते खींचते मैं लेके आई हूँ घर तक लेके आई हूँ तब तक मोहल्ले में बात फैल गई सारे लोग दौड़ के पापा के पास गए कि आपकी बेटी लेके आ गई पापा उधर से आ गए फिर दम के धुलाई हुई है ठीक है फिर परिवार को घर छोड़ना पड़ गया है ऐसा भी कंडीशन हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी हरकतें मत करो कि सामने वाले को मतलब तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सारे काम जो है ना ये मत किया करो ठीक है मैम पीछे हटिए मैम कैमरा नीचे कीजिए मैम कैमरा ऊपर कीजिए इतना टॉलरेंस और मेरे अंदर नहीं है कि मैं देख के सुन के सुखा कई लोग कहते हैं मैम देख के सोच के छोड़ दिया करो कैसे छोड़ दूँ भाई यही सोचने छोड़ने के चक्कर में तो हम रोज अखबार पढ़ते हैं मर्डर हो गया रेप हो गया आहा हाँ कितना बुरा हुआ यार फिर साइड रख देते हैं क्या करते हैं हम लोग फिर उसको उठा के साइड रख देते हैं कुछ नहीं दो अफसोस करना है ये नहीं कि कि इनिशिएटिव उठाएं लेकिन नहीं कैंडल मार्च लेके निकल जाना है वहीं पर सबक सिखाओ जब कोई एक लड़की को छेड़ा रास्ते पे दो चार, चार पांच लोगों अगर मिल जाओगे ना वहीं पे अगली वर्ष उसकी हिमाकत ना होगी कभी भी लेकिन हम क्या करते हैं लड़की को छेड़ आए क्या हम जब हा हाँ, कैसा बुरा कर रहा है बस जा रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो की फिर वहां से निकल जाएंगे अपन कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहता है और जो ले रहा है उसको यार तुमको फालतू में पढ़ने की क्या जरूरत थी इसमें नहीं पढ़ना ही नहीं चाहिए था इसमें है ना मतलब हर किसी पे छोड़ दो जब अपने घर पे जब बात आएगी तो रोना आता है कि काश मेरी बहन के साथ उस उसको कोई होता वहां पे किसी ने मदद क्यों नहीं की किसी ने कुछ किया क्यों नहीं चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल की तरफ जुडिशियल डायनिज्म के बारे में अगर मैं बात कर रही हूं तो जुडिशियल डायनिज्म असल में ये होता क्या है वॉट इज दिस जुडिशियल डायनिज्म गतिशीलता अब कई लोग का जवाब है कि मैम इट कंपेटिवली टू आ, किसकी जैसा है ये जुडिशियल एक्टिविज्म की जैसा दैट्स राइट ये कैसा जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह है आप एक्टिव रह रहे हो चीजों में कोई भी मुद्दा है कोई भी चीज आई है सरकार की तरफ से आप क्या कह रहे हो भैया कि हम भी के मामले पे केस करेंगे हम मामले में जाएंगे हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं आप सरकार से ना सही मतलब आप कोर्ट से बेसिकली करना चाह रहे हो लेकिन कोर्ट से क्या कर रहे हो आप तो सवाल सरकार से पूछ रहे हो डिमोनीटाइजेशन आया सपोज हमने क्या बोला कि मैम डिमोनेटाइजेशन आया तो डिमोनिटाइजेशन जब आया तो आपने पी फाइल कर दी लेकिन दो चार दस लोगों के और हम जैसे लोगों का नुकसान होने से अच्छा है कि देश में बहुत कुछ कंट्रोल हो जाना पत्थरबाजी कंट्रोल हो जाना टेररिज्म अचानक से कंट्रोल हो जाना तो बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है कुछ लोगों का नुकसान हो जैसे मैं आप हम सब जो आम आदमी हैं खैर नेक्स्ट वन जस्ट लुक एट पिक्चर बिगर पिक्चर नेक्स्ट वन

पहले की प्रकार का फ़ोन जो है वो बहुत डिफरेंट लगता था आपने देखा होगा कि पहले एक यहाँ से बोलते थे फिर यहाँ से बोलने का अलग होता था सुनने का एक अलग होता था याद है डैट वन गदर वदर मूवी में भी दिखाई जाती थी आपके घर पे दादाजी वादा जी के टाइम पे रहती होगी तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पीरियड पर पहले ऐसा माना जाता था क्योंकि कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तो वो कौन अफोर्ड कर सकता है बड़े लोग अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं मैंने परसों तरसों एक न्यूज़ पढ़ी थी बहुत बुरा था ऑल के बारे वीडियो बनाने वाली थी लेकिन फिर मैं बना नहीं पाई एक बंदे ने ई कॉमर्स साइट से आईफोन ऑर्डर किया आईफोन तो ऑर्डर कर लिया उसने लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो उसने डिलीवरी बॉय को ई कार्ट वाले को जान से मार दिया 19 साल का लड़का यार उसको जान से मार दिया वो बेचारा अपने घर में हो सकता है सिंगल अर्निंग मेंबर होगा कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है दो पैसों के लिए कोई कोई काम करता है कि दो तीन मेरे को पैसे मिल जाएंगे दौड़ के भाग के इधर चढ़ाना तुम अगर फोर्थ फ्लोर पे रहते हो तुम्हारे घर में लिफ्ट नहीं है तुम उसको बोलते हो भैया ऊपर आ, आ जाइए तो वो ऊपर आ जाता है मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है इधर जा रहा है उधर दिन भर कभी इधर एड्रेस के लिए गाली खा रहा है कभी इधर एड्रेस के लिए गाली खा रहा है तुम लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर गाली दे देते हो दो चार बातें अरे आपको एड्रेस नहीं समझ में आ रहा है इतना आसान तो है वो आदमी नया नया तुम्हारी गली मोहल्ले में पहली बार आया है है ना नहीं बेटा आपने गलत न्यूज़ पढ़ी है जा मार भी डाला उसको जला भी डाला दो चीज दो चीज तीन चीजों लिए। आईफोन बस दिखाने के लिए। पैसे में तो ऑर्डर क्यों किया काहे का दिखावा है ये सीरियसली ओके नेक्स्ट वन ऑन विच प्रिंसिपल टेप रिकॉर्डर फंक्शन प्लीज ऐसी अमीरी से दूर रखो जो अमीरी दिखावे की अमीरी होती है बात समझ में आई क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज देखा है कि अधजल गगरी छलकत जात जो आधी भरी हुई गगरी होती है उसका छलकाव ज्यादा होता है वो ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहनेंगे ज्यादा बदन दिखाने की कोशिश करेंगे और जो भरी हुई गगरी होती है ना कहते हैं जो अच्छे घर से होते हैं ना वो उतने ही सिंपल उतने ही काम होते हैं ध्यान दीजिएगा टेप रिकॉर्डर फंक्शन किस पे करता है मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मैम ये काम करता है अब देखो यहाँ पे होता क्या है जब आप प्लेबैक करते हो तो जो मोशन है टेप का ये क्या हो रहा है पुल से वेरीफाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो ये जो गैप हो रहा है उसमें क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को ये

इनको इग्नोर कीजिएगा ताजमहल खूबसूरती के लिए लगता है यहाँ पे लगा दिया गया है कोई बात नहीं होता है कभी कभी मैम सी घाना सेंचुरी वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे काल देव क्या है काल देव बर्ड सेंचुरी भी आपकी भरतपुर में ही मौजूद है याद रहेंगी चीजें यस मैम नेक्स्ट वन आगे देखिएगा बी सेंसेक्स जो है ये बेस्ड है किस प्राइस सेंसेक्स पे तुम्हें तो पता है ये जो आज स्टॉक मार्केट की बात करते हो स्टॉक मार्केट उठाने वाले हर्षद मेहता पहले स्टॉक मार्केट बॉम्बे में कुछ नहीं हुआ करता था चलो फिलहाल अगर बीएससी के बारे में बात करें तो 1986 एटी सिक्स में हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा 1986 में जब भी मैम 30 30 30 कोई कोई हंड्रेड भी कह रहे हैं थर्टी mm -hmm. करेक्ट कीजिए बेटा वापस से सेंसेक्स ये जो बी का जो आपका सेंसेक्स होता है यहाँ पे क्या है कितने शेयर का मूल उत्तर उतार चढ़ाव जो होता है वो थर्टी के बीच में आधारित होता है जितने भी लोग हंड्रेड बता रहे हैं मैंने दिख रहा है बहुत से लोग हंड्रेड कह रहे हैं ठीक है आप लोगों ने हर्षद मेहता वाली मुझे लगता है सीरीज देख रखी है इसलिए आप लोगों को याद आ रहा है कि 1978 से 1979 का जो दौर था इस दौर में जो रेंज हुआ करता था बेस वैल्यू हुआ करता था किसी भी शेयर का वो सौ हुआ करता था उस टाइम पे हंड्रेड हुआ करता था करेंटली अगर हम बात करें अभी तक के टाइम पे शेयर मूवमेंट के बारे में तो इट इज़ हाउ मच थर्टी ठीक है, नेक्स्ट वन आपने बताना है कि पहला इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज कब मिला है अब जब गांधी जी के बारे में जब बात हो रही है क्या बोले जब गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो अहिंसा के बारे में तो बात होगी ही होगी नेल्सन मंडेला गलत माइंग गुड वेरी गुड बाकी सब गलत है जूलियस के नाय तानजानिया की प्रेसिडेंट तानजानिया <coughs> की प्रेसिडेंट देख लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमें चेहरे याद रखने से ना हमें वो याद हो जाता है ओके okay. <coughs> आज क्या हो गया यार नेक्स्ट वन एब्रीवेशन जीडीआर जो ये एब्रीवेशन है किसके लिए स्टैंड करता है वो तुम लोग आजकल बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स अपनाते हो ना बहुत सारे अपनाते हो ना ये बताओ कि जीडीआर किसके लिए है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट या ग्लोबल डोमेस्टिक रिसिप्ट हमने कहा मैम नहीं हम ग्लोबल पे जाएंगे ना कि ग्रॉस पे नहीं जाएंगे ग्लोबल पे जाएंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट के ऊपर अपन जाएंगे यानी कि मैम सी विल बी द करेक्ट आंसर डन अरे कोई बात नहीं नजर लग गई हो तुम लोग हो ना इतने प्यारे प्यारे तुम की दुआएं काम कर जाती हैं। ध्यान दो। क्या कह रहे भैया ये स्वैथलिंग कप जो है मैम ये कप किससे जुड़ा हुआ है ये आपके टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है बचपन में आप सबने इसको बहुत खेला होगा जब स्कूल के जब क्लब्स होते होंगे तो आपने खेला होगा और ये किससे मेंस टेबल टेनिस से आपका जुड़ा हुआ है यस नेक्स्ट वन गुड पे अटेंशन इनमें से कौन सा गैस जो है ये गैस आपकी एसिडिक होता है क्या बोला हमने कौन सी गैस जो होती है ये आपकी एसिडिक होती है बी ऑक्सीजन एसिडिक होता है क्या बात है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देन आफ्टर वर्ड यू विल टेक अराउंड द हाइड्रोजन सबसे अमीलिए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन है सल्फाइड है ये सारे हैं तो इट्स दस हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर है ना कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बिल द राइट आंसर नेक्स्ट वन बीजक जो है वहाँ पर ऑप्शन में ई बी ऐसे करके होना था तो जिन लोगों ने हाइड्रोजन जवाब दिया सी यू टी जवाब दिया दे आर गुड टू गो नेक्स्ट वन बिजक जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम है ये वो हैं जिनको हिंदू हो या मुसलमान हो हर कोई इनको मानता है हर कोई इनको पूजता है सो मैम वी आर टॉकिंग अबाउट हुम कबीर कबीर के दोहे आई गेस कि बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा स्कूल में तो पक्का ही पक्का पढ़ा होगा आप लोगों ने highest वैल्यू ऑफ uh, अगर मैं पैसे की करेंसी के मामले में बात करूं कि ताकतवर करेंसी मतलब पैसे के मामले में अगर मैं ताकतवर बात करूं तो इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जिसकी करेंसी सबसे हाइएस्ट है सऊदी मैम डॉलर सोचो दोबारा सोचो डॉलर अभिजीत वेरी गुड पाउंड, पाउंड, क्या पूछे थे हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज ध्यान दीजिएगा भैया पैसे की ताकत को ना जानो तुम लोग ध्यान दीजिएगा पृथ्वीराज रसो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है कंपाइलेशन है पृथ्वीराज रसो में किसके बारे में जिक्र है तो ये है मैम जिक्र वहां पे दिनार नहीं था ना ऑप्शन में तब तो, तो फिर सोना ही सोना होता आपके के लिखा गया। में है, हाँ है। Vishnu, जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं ये आपको कहाँ मिलेगा मतलब उस टाइम पे इतने पुराने केव में आपको ये मिलता है ब्रह्मा विष्णु महेश थ्री फेस त्रिमूर्ति जिसे हम बुलाते हैं त्रिदेव जिसे हम बुलाते हैं त्रिमूर्ति बुलाइए आप त्रिदेव बुलाइए इसका सबसे पहली बार कहा मिला है ये, ये आपको प्रिंटेड एलिफेंटा केव में है बेटा बेटा एलिफेंटा केव? जरा बताओ तो और आज जो जवाब नहीं देगा उसको पनिशमेंट है यार ऑफलाइन क्लास होती है ना मैं पता लाइन में खड़ा करवाती कि आज जो जवाब नहीं देगा वो बेंच पे कान पकड़ के खड़ा हो जाएगा मेरा ने बड़ा मन था स्कूल में टीचर्स पनिश करते थे ना सबको यार मेरे को भी ऐसा मन करता है कि मैं भी तुम लोगों ना क्या मजे से पनिश वनिश करती क्या बढ़िया मजा आता उसके बाद महाराष्ट्र तिरुपति देवगिरी ओडिशा क्या बात है एलिफेंटा की इतनी जगह पे है ग्रेट ग्रेट पता ही था मैं उड़ीसा कब शिफ्ट किया वैसे एलिफेंटा केव शिफ्ट कर गया क्या उड़ीसा अच्छा अच्छा हो सकता है बेटा हमें नहीं पता जब बात आती है चट्टानों से बनाए हुए जाने की चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन न्यू मोरे आइलैंड आइलैंड जो जो है ये मतलब जो है ये 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 बिटवीन मतलब एक दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन चुका है अगर हम बात करें तो ये वही देश है जो देश कभी हमारा था लेकिन फिर हमसे अलग हुआ फिर हमने इस देश की मदद की हमने इसको पाकिस्तान से बचाया जब ये अलग होना चाहते थे तो हमने लड़ेंगे लड़ाइया लड़ी लेकिन 2020 में जब दुर्गा पूजा 2021 में जब दुर्गा पूजा हुआ तो उसके बाद जो वहाँ पे मूर्तियों के साथ जो किया गया जिसको देख के बहुत दुखी थे हमने कहा कि क्यों भूल गए हमारे एहसानों को हमने तुम्हें वैक्सीन तक सप्लाई किया था जब हम अपने देश में लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे थे लेकिन तुमको हमने वैक्सीन तक सप्लाई किया था हम दोनों ऐसे हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन क्या करेंगे पॉलिटिकल मामला अलग होता है डिप्लोमेटिक मामला जो होता है मैम ये अलग होता है बात समझ में आई इंडिया एंड बांग्लादेश डन नेक्स्ट वन नहीं टेक्स्ट बुक जल्दी आप लोग के लिए ऑफलाइन बैच भी खोलने वाला है चिंता मत करो इंडिया आउट इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सपोजन कहाँ पे किया था इस पे तो मूवी भी बन चुकी है आप लोगों ने देखा होगा जॉन इब्राहिम थे इस मूवी में पोखरान पोखरान एंड दट इज पोखरान गुड पे मैम सुनील सुनील, बेटा, बेटा, मैं नहीं नहीं दे सकती बेटा? मैं उम्मीद नहीं जगा सकती ना ना। उम्मीद जगा झांसी जो था ये कर लिया गया रीजन बिहाइंड करने के पीछे का रीजन क्या था देखो भाई ये डलहाजी भाई साहब लेके आए थे एक प्लान लेके आए थे अब इन सबको अवार्ड मिलता था है ना <coughs> कि कोई अच्छा प्लान लेके आओ वो ऐसा प्लान लेके आओ जब हम भारत को और अपने कंट्रोल में कर सकते हैं भारत के ज्यादातर <coughs> क्या हो गया कलित आज से तुम लोगों की कल डी 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 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड इट इज एक्सक्यूज मी गाइस रियली सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओके जिसके तहत क्या कहा गया था कि जिसके खुद के बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होंगे जिसके खुद के सगे बच्चे नहीं होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा उनके राज्य को ले लिया जाएगा छीन लिया जाएगा क्लियर नेक्स्ट वन ओजोन को आप डिटेक्ट कर सकते हो ओजोन का आप पता लगा सकते हो किस चीज के थ्रू आप पता लगा सकते हो जरा बताना मुझे नम जिंजर पानी पियो मटन कीमा खाओ खांसी से बचाओ <laughs> ये कौन है फायोल लद्दाख अच्छा 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 आप लद्दाख से हो ना हाँ ज्याद आया। उस दिन आप आए थे क्लास में वेजिटेरियन हूँ मैम ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी क्या बात है एच जी नहीं हो सकता है ना मैम ए जी होगा ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा लगा आप लोग का जवाब पागे हमें <laughs> फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा क्या है भैया ओजोन का जो प्रेजेंस है ये टेस्ट किया जा सकता है आपकी हेल्प ऑफ मक्यूरी से अब ये क्या है मैम ए जी ए जी ए जी गुड 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 वेरी गुड अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है और मर्करी ऑक्साइड करता है और रिड्यूस करेगा डायमेटिक ऑफ दी ऑक्सीजन नाउ लेट मी शो यू दिस हमेशा पिक्चर्स जो हैं वो चीज़ों को आसान कर देते हैं हमें चीज़ें समझाने में चीज़ों को ज़्यादा आसान कर देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ज़ुरिच जो है ये फाइनेंशियल कैपिटल है यूरोप का लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ पे है अब बहुत लोगों की मर्जी होगी कि मैम हमें घूमने जाना है यूरोप घूमने जाना है कई लोग तो पैसे जुटा के रखते हैं कि मैम अपन यूरोप की ट्रिप करने जाएंगे तो भैया इसकी इकोनॉमिकल कैपिटल है मींस फाइनेंस जैसे हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल क्या है भारत की जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो क्या है मुंबई है हमारे देश की कैपिटल न्यू डेली है लेकिन हमारा फाइनेंशियल कैपिटल जो है दैट इज इस मुंबई इसकी क्या है भैया ज़ुरिच जैसे आपकी स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट रिजर्व जो है साल फॉरेस्ट का साल के वन साल के पेड़ जो पाए जाते हैं बोला जाता है ना कि तो साल के पेड़ कहाँ पे मैम ईस्टर्न पेनसुलर में कहाँ पे मैम ईस्टर्न पेनसुलर में आपके ये पाए जाते हैं नेक्स्ट वन लूनी श्री जो कि हाइएस्ट येल्डिंग सीड है ये किसकी वेराइटी है लूनी श्री <coughs> हमारे अगर भारत में देख लिया जाए तो मैक्सिमम जगहों पे लोगों का स्टेपल फूड के तौर पे यूज किया जाने वाला है चावल राइस क्वालिटी क्वालिटी पे डिपेंड करता है दैट्स ग्रेट वरुण थैंक यू फॉर ऑल इलेवन सपोर्ट नेक्स्ट वन द टर्म बिलियन जो है एक्सप्रेशन है किसका बिलियन किसको कहते हो दस लाख को टेन मिलियंस को कहते हो ना बिलियन हो गए हैं चलो व्यूज तो आजकल तुम्हें तो बहुत देखते हो कि मिलियंस बिलियन में व्यूज जा रहे होते हैं तो व्हाट इज बिलियन हंड्रेड कॉर्स अच्छा अरे इसमें तो ऑप्शन ही गलत है ऑप्शन ही गलत हो गया तब तो फिर मैम टेन मिलियन दस मिलियन देखो इसका अंदाज़ा हम भी सिर्फ तुक्का मार के बताएंगे हम भी सिर्फ किताबों से पढ़ के ही बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं तो हमें जानकारी उसी चीज़ की होती है जितनी चीज़ हमारे पास होते हैं यहाँ पे जवाब जो है क्या कह रहे हो तुम लोग गलत गलत हंड्रेड लाख होना चाहिए था कितना होना चाहिए था यहाँ पर ऑप्शन में जवाब नहीं है दस लाख नहीं यहाँ पर कम से कम हंड्रेड लाख होना चाहिए तब जाके हो पाएगा सौ लाख ठीक है यानी कि मैम हाँ ऑप्शन में नहीं है बेटा ऑप्शन गलत है यहाँ पर ध्यान रखिएगा टेन थाउजेंड लैक मेक्स वन बिलियन बहुत बढ़िया गलत है ध्यान दो हम पहले बता दे रहे हो सकता है कि इसका जवाब गलत हो सकता है हो सकता है हम अपने साइड से बताए हैं जितनी हमारी लिमिटेशन थी हमने उसी लिमिटेशन के हिसाब से बताया है हमारे पास इतने पैसे नहीं है भैया सीधी सी बात ध्यान दो नाइन डिग्री चैनल सेपरेट जो है आपको बताना है अरे नहीं सच्चाई बोलने में किस बात की गलत है जब भी ये पैसों का मामला आता है पहली चीज़ कि मैथ्स है हमारी वीक हम पहले बता देते हैं नहीं हमारी मैथ से वीक दूसरी चीज क्या है इतने पैसे हमने देखे नहीं है ओ माई गॉड लैपटॉप का मैंने चार्जिंग पॉइंट ऑन नहीं किया था <coughs> मैम नाइन डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है किसको सेपरेट कर रहा है तो मैम का निकोबार और ग्रेट निकोबार को सेपरेट कर रहा है ये बहुत सारे लोगों का जवाब आया है मेरे पास अभी ओके okay. क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग जो जवाब मुझे बी वाला दे रहे हैं क्या ये सही होगा और अगर गलत होगा तो तुम लोग क्या देने वाले हो आज ठीक है सबका क्लियर हो गया चलो अब मैं बताती हूँ नाइन डिग्री चैनल इंडियन ओशन मिनी क्य कहा गया मिनी क्वाय लक्षदीप और मिनी क्वाय कुछ याद आया जब मैंने आपको याद दिलाया तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर टाइम भी दिया था कि चाहो तो अपना जवाब तुम बदल सकते हो क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोग को इन्फॉर्म किया था नाइन डिग्री चैनल के बारे में बात समझ में आई यस मैम लेकिन दिमाग से निकल गया था मैम अब ये मत बोलना कि मैम जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में निकल गया था क्योंकि मैंने अभी टाइम दिया था तुम लोगों को अगर मैं बोलूं कि रिटर्न रिकॉर्ड्स और उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानकारी अगर पानी है तो उस मेथड को आप किस नाम से जानते हैं आपको रिकॉर्ड पाया गया है रिटर्न रिकॉर्ड्स है तो क्या वो जेनवन रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए जेनविनिटी जानने के लिए क्या बोलेंगे मैम फेरनोलॉजी बहुत अच्छा मेरे साथ बहुत लोगों ने ए ए जवाब लिखा है बहुत अच्छा. बहुत अच्छा। अच्छा। क्या बात है मतलब ये तुम्हारे पता कैसा हाल है वो सुना था शिकारी आएगा एक साधु एक तोते को लेकर जाता है और तोते को पता है क्या बोलता है उसे कहता है कहा गया भैया हाँ है ना ऑप्शन में ठीक है उस तोते को बोलता है कि देखो तुम्हें शिकारी ने तोते को बचाया था उसने शिकारी के जाल से बचाया था साधु ने तो साधु उस तोते को शिकारी के जाल से निकालता है और अपने घर ले जाता है उसे पालता है पोसता है तोते को फिर उस तोते को कहता है कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें फंसाएंगे लेकिन फंसना मत शिकारी हो सकता है आएगा तुमको फंसाएगा लेकिन फंसना मत और उसको रोज पढ़ाता था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा चुगना मत शिकारी आएगा दाना डालेगा चुगना मत ठीक है उसको रोज सिखाता था एक दिन साधु महाराज चले गए बाहर जब साधु महाराज लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो तोता है वो शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ है वहाँ पे दाना खाए जा रहा है चुगे जा रहा है और बोले जा रहा है शिकारी आएगा दाना डालेगा खाना मत शिकारी आएगा दाना डालेगा खाना मत

इसका जवाब ऐसा तो ना हो जाएगा बात समझ में आई क्लियर नेक्स्ट वन का दो डेस्टिनेशन जो है आपकी गुवाहाटी और इम्फाल ये ऐसे डेस्टिनेशन है जो आपकी कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ किस्से एयरवेज और रोडवेज मैम दोनों तो दोनों कम्प्लीट ही हो गया एयरवेज से जुड़े हुए हैं और रोडवेज से जुड़े हुए हैं तो क्या यहाँ पे मैम रेलवेज नहीं है अगर मैं रोड रास्ते की बात रही हूं कि ये दोनों जगह को जो जोड़ा गया है ये रोड के थ्रू जोड़ा गया है और दूसरा एयरवेज भैया फ्लाइट नेट पकड़ो और निकल लो नेक्स्ट वन सॉइल जो है वेस्टर्न राजस्थान का इसमें हाई कंटेंट किसका पाया जाता है कैल्शियम का आपसे जब वेस्टलैंड के बारे में जिक्र किया जाता है कि सबसे ज्यादा वेस्टलैंड जो है वो कहां पे मौजूद है तो सबसे ज्यादा जो वेस्टलैंड मौजूद है आपकी वो आपकी राजस्थान में मौजूद है याद रहेगा गुड नेक्स्ट गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी क्वांटिटी थ्योरी मनी जो डिटरमाइन करता है मनी क्या डिटरमाइन करता है वॉट इज मनी इज ऑल अबाउट मनी क्या है लेवल ऑफ रियल आउटपुट गलत

उस टाइम पे अगर आप जाओगे ना स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे तो ढाई हजार पाँच हजार हुआ करती थी जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे और उन सैलरी में क्योंकि दस हजार में तो बहुत अच्छे प्लॉट्स मिल जाए करते थे जमीन जो थी बहुत ही पॉश एरियाज में टेन थाउजेंड में जमीन मिल जाती थी आज क्या हो गया पापा लोग की सैलरी बढ़ गई है आप लोग काम कर रहे हैं आप लोग की बढ़ी हुई सैलरी है लेकिन जमीन के जो रेट है हम कंपेयरिंग टू दी वॉट लैंड डेवलपमेंट के ऊपर जमीन की जो रेट है जो कि फिलहाल अभी तो रियल स्टेट आपको बिल्कुल डूबा हुआ स्टेट है रियल स्टेट

में तुम्हारी कितनी तरलता है उसके हिसाब से तुम डिटरमाइन करते हो कि मेरे को क्या खरीदना है है ना शौक हम सबका है कि हमें ये ड्रेस चाहिए हमें वो ड्रेस चाहिए हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए लेकिन हम उसको खरीदते कैसे हैं कि जेब में हमारे पास जितने पैसे रहेंगे हम उसी के अकॉर्डिंगली बजट के अकॉर्डिंगली अपन ड्रेस को सेलेक्ट करते हैं और फिर अपन उसको लेके जाते हैं आई की तरफ है ना चलिए तो क्या बोला मैम हमने प्राइस लेवल जो है आपका आप इसके अकॉर्डिंगली जब भी आप मनी डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी थ्योरी में तो वो उसी थ्योरी के हिसाब से डिटरमाइन होता है अरे भैया पैसे आ रहे नहीं और हम खर्च किए जा रहे हैं अब अंबानी की औलाद तो है नहीं कि पैसे अकाउंट में आए जाएंगे आए जाएंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन मारे जा रहे हैं कमाना पड़ेगा उसके लिए राइट <laughs> एक सेकेंड दो मुझे हे भगवान हमारी टीम तुम लोगों के लिए बहुत लगी रहती है अलग अलग रोज क्लासेस लाने के पीछे लगी रहती है उसके लिए भले एजुकेटर मारा जाए एक दिन एजुकेटर बोलते बोलते गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है चलिए ध्यान दीजिएगा म्यांमार जो है इंडिया से सेपरेट किया गया था कब क्या आपको उन्नीस का एक्ट याद है तो क्या सिर्फ उन्नीस में सिर्फ आपका एक्ट लाया गया था या फिर किसी को अलग भी किया गया था ऑफिशियली किया गया 1935 में प्रैक्टिकली किया गया 1937 में चूंकि ऑप्शन में 37 का जिक्र नहीं किया गया है तो आप क्या करेंगे यहां पे? 1935 का करेंगे कुलदीप तुम फैन लग रहे हो लगता है रोज आके सुपर थैंक्स स्पेशल थैंक्स पैसे दे के जाते हो रुक जाओ हम भी अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं ओके गाइस पे अटेंशन रिलीजन ऑफ मैन ऑथर कौन है रिलीजन ऑफ मैन चलो इसका जवाब तो फिर मैं एक सवाल पूछूंगी तुम लोगों से बहुत सारी उपाधियां इनको मिली हुई है ठाकुर साहब के नाम से जाने जाते हैं ठाकुर के नाम से बंगाल में जाने जाते हैं ये मैम हम भी फैन है हाँ शमीम ओके वेरी गुड रविंद्रनाथ टैगोर डू यू नो वट बाइस मीन चलो मैं इस पर एक शॉर्ट बना के दूंगी तुम लोग को बाइसफमी आइए बढ़िएगा भैया अगला सवाल अरे सबसे सबसे ज़्यादा पोरस रॉक जो है वो कौन सा रॉक होता है मैम सैंडस्टोन देखे हो लड़कियों को पता होगा लड़कियां हैं हमारी क्लास में एक दो लड़कियां तो रहती हैं हमारी क्लास में हाँ स्पेलिंग में गलती ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है अब देखो लड़कियां कई बार जाती हैं मेनिक्योर पेडिक्योर करवाने तो पेडिक्योर जब करवाने जाती हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो तो जो पत्थर घिस घिस के तुम्हारे जो पाँव साफ किए जाते हैं सैंडस्टोन <coughs> बलवाई पत्थर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मैम बलवाई पत्थर बोलते हैं उसमें तो पोर्स जैसे बने होते हैं ना कंट पोर्स येस तो जब वो करवाते हैं ना जो आप लोग पेडिक्योर जब करवाते हो ना जब जाके की पाँव जाके साफ करवा रहे हैं अपना मैम पेडिक्योर क्या होता है बेटा जो लोग घर में पाँव साफ नहीं करते वहाँ जाके पाँव साफ करवाते हैं कुछ नहीं करते हैं बिफकू बनाते हैं गर्म पानी पाँव डाल देंगे उसमें शैम्पू डाल देंगे झाग मारेगा ठीक है थोड़ी देर तुमको पाँव में वो रिलैक्स लगेगा फिर तुम्हारे पाँव को आके साफ करेंगे क्रीम लगाएंगे बस साफ करना तो इसी रॉक का इस्तेमाल किया जाता है आपके पांव से जो सदियों भरी गंदगी जो आपके पाँव में जो जमी रहती है उसको हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा कलहारी डेजर्ट जो है ये डेजर्ट किस जगह में है आप ध्यान रखिएगा कि जब मैंने आपको टॉप टेन डेजर्ट्स करवाए थे तो मैंने आपको इसके बारे में जिक्र करवाया था नाम्बिया नाम्बिया किधर है नाम्बिया किधर है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे तो एक बात बताओ अगर ये साउथ अफ्रीका में है तो ये कोल्ड डेजर्ट होगा या फिर वार्म डेजर्ट होगा मैम कोल्ड होगा या फिर वार्म होगा कोल्ड और वार्म क्या कोल्ड जवाब दे रहे हो तुम लोग क्या मैंने अभी सही देखा जो तो मैंने देखा बस अब और नहीं अब और नहीं साउथ अफ्रीका में कोल्ड होना शुरू हो चुका है तुम लोग के हिसाब से हेट्स ऑफ टू यू गाइज नो डाउट चीज एग किस चीज का सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी या विटामिन सी किसके में मिल्क चीज एग क्या तो दूध दही खाओ हड्डियों को मजबूत बनाओ कभी सुना है ए एन डी ए एन डी ए एन सी एन डी तो बहुत प्रकार के जवाब जो है ये हमारे पास आ रहे हैं एक्चुअली ऑप्शन में क्या होना चाहिए था क्या होना चाहिए था गुड वेरी गुड विटामिन ए और डी जो है आपके यहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है बी टू बी सिक्स बी ट्वेल विटामिन डी के है ना ये सारे आपको चीज़ से मिल जाते हैं बात समझ में आई एग से आपको बी फाइव ई विटामिन ए ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो दौड़ के जाना क्लास के बाद और जाके खाना ठीक है नॉर्मल होमोग्लोबिन का लेवल जो होता है किस में भैया पुरुषों में तो दस ग्राम सौ एम एल ब्लड कितना दस ग्राम सौ एम एल ब्लड नेक्स्ट वन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है फर्मेंटेड मीट प्रोडक्ट 16 लिखा था किधर 16 लिखा था पीछे वाले पे अच्छा 16 लिखा था ओके okay. वो कह रहे हो मैं सॉरी सॉरी मेरी गलती है सो मेरी गलती है इट वाज ऑल माय मिस्टेक 16 16 16 16 था 16 नॉट दस इट वाज सिक्सटीन यस बताओ भाई पेनसुलर एंटीबायोटिक जो है ऑप्टेन किया जाता है किससे बी फंगस वेयर फंगस क्या कहे भैया तुमको देखिएगा जब ब्रेड का जब फर्मेंटेशन होता है जब फॉर्मेशन होता है जब ब्रेड का तो क्या किसकी वजह से वो जो तुम देखते हो ना कि ब्रेड ऊपर की तरफ फूल सी जाती है वो किसकी वजह से होता है क्या ऐड करते हो ईस्ट पिज्जा बनाना है है ना ब्रेक करना है गाय आपका टेलीग्राम का चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा जितने लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है बात समझ में आया गुड ओके okay, ध्यान दीजिएगा इसमें से कैपिटल क्या है कांगो की अब इसके बारे में एक इतिहास है इस जगह का नाम जो था किन्न शाशा था किन्न शासा का मतलब होता है जो बहुत खूबसूरत हो लेकिन बीतते हुए वक्त के साथ ना जाने शहर को कहते हैं ना किसी की नजर लग जाना उस माफिक तरीके से कांगो रिवर के पास ना ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ जी हां ना विच इज यूज द मेजरमेंट ऑफ हाइएस्ट टेम्परेचर जब मैं हाइएस्टर की जब मैं बात करती हूं तो इस से किसका इस्तेमाल किया जाता है पैरो का किसका नाम पैरो का एक लिख रहा है एनी वन फ्रॉम इंडिया तुम कहां से हो भैया श्रीलंका से हाँ ना विच इज द डीपेस्ट ओशन इन वर्ल्ड में सबसे अगर गहरा अगर हम बात करें गहरे महासागर के बारे में तो कौन सा महासागर सबसे ज्यादा गहरा होता है डीपेस्ट ओशन कौन सा है पैसिफिक जिसे आप किस नाम से जानते हो प्रशांत महासागर के नाम से जानते हो पैसिफिक क्या है सबसे आपका डीपेस्ट आता है कितने लोगों मन करता है कि जाएं कभी वो ओशन में जाके वो अंदर थोड़ा घूम फिर के आए हरिद्वार <laughs> okay, जो कि वेल नोन सिटीज है सिटी है शहर है बहुत ज्यादा जाना पहचाना ऐसा सब हरिद्वार जाते हो कि हमें जाना है हरि के दर्शन करने मंदिर के दर्शन करने हमारे तीर्थ स्थलों में से एक है लेकिन ऐसे दूसरी चीजों के लिए क्यों जाना जाता है हरिद्वार एनी वन Electric, heavy electricals चीजों के लिए जी सही जवाब किसके लिए के लिए। ध्यान दीजिएगा कौन सा आर्ट जो है विच आर्ट मुगल्स। मुगल के दौरान पे किस प्रकार का आर्ट जो है ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ है उस दौरान पे? अब इन लोगों ने एक ही काम किया कि भारत से पैसा लूटा है और पैसे लूट के इनको याद रखा जा सके इनके खानदान को याद रखा जा सके इसलिए मोनूमेंट्स पे मोनूमेंट्स बनाए हैं आर्किटेक्चर बनाए हैं बहुत ज़्यादा जी हाँ तो इनके टाइम पर जो जनत पे जो, जो चीज़ रही है वो वास्तुकला इनके जनत पे रही है अच्छा एक दो सवाल कभी कभी आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछ दिया जाता है सपोज़ क्या होता है कि कभी मान लो तुमसे पूछ दिया कि आ, बताओ कि किसके शासनकाल के, के दौरान पे, पे पेंटिंग जो है ये अपने जनत पे था कभी किसी से पूछ दिया गया कि चलो पेंटिंग किसके जनत पे तो तुमने कह दिया जहांगीर के टाइम पे था क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है और वो समुद्र गुप्ता भी थे लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया है कि जहांगीर बोलना है कोई बात नहीं आर्किटेक्चर किसके जहनत पर था मुग़ल में अगर पर्टिकुलरली पूछता है कि मुगलों में वास्तुकला अपने चरम पे कब थी तो शाहजहां प्यार मोहब्बत वाले व्यक्ति थे भैया तो अपनी आ, बीवियों के लिए महल बनवाया करते थे जी 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 बात समझ में आई एक सेकंड दे दो बेटा एक सेकंड दे दो मुझे बस इसका जवाब आप लोग दीजिए तब तक एक सेकेंड दे दो मुझे ओके okay. हाँ ठीक है क्या है मैम बिगेस्ट जो मेन इंडिया सबसे बड़ा गुबंद कौन सा है तो मैम ए बीजापुर वाला यस बीजापुर में किसका रूल चल रहा था बीजापुर में किसका रूल चल रहा था यह हर किसी की नजर क्यों रहती थी बीजापुर के ऊपर कोई भी आ जाए पुर्तगाल आ जाए बाद में कोई भी आ जाए गोल गुम्बज वन वेरी गुड पुर्तगाल आ जाए अंग्रेज आ जाए हर किसी की नजर इधर ही क्यों चिटिकी रहती थी, थी भाई साहब नेक्स्ट वन फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो है इंडिया में किसे बोला जाता है है ना कहते नहीं है कि तुम बहुत भाभा हो गए हो तुमको एक काम करने बोल रहे हैं तो काम नहीं किया जा रहा है भाभा बन गए हो कभी सुना ही सप्ताह तुम लोगों ने बचपन में नहीं सुना है कोई बात नहीं सुना ही होगा हाँ यही से ये फेमस हुआ है ये जो वर्ड है होमी जय भाभा जी की वजह से फेमस हुआ है तो बोले बहुत पढ़ लिख रहे हो इतना ज्यादा कि तुम भाभा बन गए हो चलो आगे बढ़ते हैं। <laughs> आगे बढ़िएगा बिगेस्ट सेटेलाइट जो है सोलर सिस्टम का जिसे हम कह रहे हैं ज्ञान मीट सेटेलाइट ये असल में किस प्लानट का सेटेलाइट है भाई आजकल मून इसी के पास ज्यादा फाउंड हो रहा है ज्यादातर मून वगैरह जो मिल रहा है इनके पास और ज्यादा मून जो है ये बढ़ते जा रहा है बताइए जी आपका जवाब बिल्कुल सही है हम बात करें जुपिटर के बारे में एक बात बताओ जुपिटर को किस ग्रह के नाम से जानते हैं पीला ग्रह बोलते हैं कि ऑरेंज ग्रह बोलते हैं बताओ ज़रा येलो बोलते हैं या ऑरेंज बोलते हैं एनी कोई है जो इसके बारे में जवाब दे पाएंगे येस yes, गुरु बृहस्पति नेक्स्ट वन यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है ये कैरेक्टर था आपकी इसमें मनी हाइस्ट में बड़ा अच्छा कैरेक्टर था नो डाउट टोकियो टोकियो ऑल टाइम फेमस मूवी मदर इंडिया को किसने प्रोड्यूस किया था भाई हमेशा 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 चाह के भी जिसे आप ना भुला पाओ वो मदर इंडिया बहुत ही बेहतरीन 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 एक्टिंग यश yes, चोपड़ा जवाब दे रहे बहुत लोग गुड यश yes, चोपड़ा दे लिया आप लोगों ने जवाब ठीक है बेटा। महबूब खान किन की मूवी थी डायरेक्शन किसने किया था महबूब खान ने डायरेक्शन किया था उस टाइम पे याद रहेगा हाँ या ना गुड चलो आज का होमवर्क लिखो जब ट्रीटी ऑफ पोरबंदर साइन हुई थी नहीं पोरबंदर नहीं श्रीरंगपट्टनम जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी उस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल कौन था ध्यान रखो जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोबारा बताओ जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी उस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल कौन था डन खुशी पूछ रही जाते जाते मैं आप पार्लर से तैयार होकर आती हैं क्या हाँ 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 सही सही गई तुम खुशी तुमको कैसे पता खुशी अरे तुम्हारी पार्लर तो थे गए थे आज भूल गई ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले सेशन में तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखेंगे मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह के आठ बजे वाले क्लास में सारे लोग रेडी रहिएगा कल आपके लिए वन लाइनर सेशन हम लेके आ रहे हैं तो सौ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एक घंटे में ठीक है चलो तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी आप लोगों से अगली क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक like नहीं किया है शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब बाई टेक केयर गुड नाइट एवरी थैंक यू सो मच गाइज